जय सियाराम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के यूट्यूब चैनल साधना मार्ग में। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं राम नाम का जाप करने का सही और सटीक तरीका। बहुत से साधकों का यह प्रश्न होता है कि गुरु जी, राम नाम का जाप हम कैसे करें, किस तरीके से करें, आप इस पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो आज हम इसी विषय पर जानकारी लेकर आए हैं। राम नाम का जाप कैसे भी लिया जाए, भाव से, कुभाव से, आलस में, वह सदा मंगलमय ही होता है। और नाम भगवान की कृपा अपने नाम जापकों के प्रति असीम और अनंत होती है। जो नाम भगवान अपने साधकों पर, अपने भक्तों पर और अपने आश्रितों पर कृपा करते हैं, वह अन्य साधना, अन्य क्रिया या अन्य किसी चीज से नहीं हो सकती है, क्योंकि कलयुग में नाम की महिमा है। नाम ही सर्वश्रेष्ठ है और नाम ही से सब कुछ होता है। सतयुग में ध्यानी लोग पाए जाते थे जो ध्यान के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करते थे, क्योंकि उस समय विकार नहीं थे, मन शांत था और उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति थे। और त्रेता युग में सब लोग यज्ञ करने वाले थे, भगवान को मानने वाले थे और अपने कर्म करने वाले थे और सब लोग सुखी रहते थे। और द्वापर युग में बस भगवान के चरणों की पूजा, भगवान के लिए पूजा पाठ, ध्यान आदि क्रियाएं की जाती थी। लेकिन कलयुग एकमात्र ऐसा युग है जिसमें मात्र नाम के सहारे ही आपकी नैया पार लग जाती है। नाम जाप करने का सही तरीका बस ये है कि आपके अंदर प्रेम जागृत हो जाए, यानी कि भगवान श्री राम जी के नाम के प्रति आपके अंदर ऐसा अगाध प्रेम जागृत हो जाए कि आपका राम नाम के जाप से उठने का मन नहीं करे। अगर आपसे कोई नाम जाप छुटवाना चाहता है, राम नाम का जाप छोड़ने की कहता है, तो आपके अंदर वह पीड़ा महसूस होनी चाहिए कि आपके जीवन का एक विभिन्न हिस्सा आपको आपसे छीन लिया गया है। जिस तरह से अगर आपकी सांसें बंद हो जाएं, तो उसी समय आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, आप मर जाएंगे। इसी तरह से अगर आपसे कोई नाम को छीने या फिर नाम जाप बंद करवाने की कोशिश करे, राम नाम का जाप छोड़ने की कोशिश करवाए, तो आपके प्राण निकलने जैसी स्थिति होनी चाहिए। तो यह स्थिति राम नाम के जापकों के, साधकों के लिए बहुत उत्तम स्थिति मानी जाती है। और जो इन स्थितियों के लिए अग्रसित होते हैं, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उन्हें परमात्मा यह स्थिति प्रदान कर देते हैं। लेकिन यह स्थिति निष्काम भाव से प्राप्त होती है। जो साधक निष्काम होकर राम नाम का जाप करते हैं, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए राम नाम का जाप करते हैं, तो उनके अंदर भक्ति, बुद्धि, विवेक, प्रेम, भगवान के प्रति सच्चा भाव, श्रद्धा, सब कुछ अपने आप जागृत हो जाती है। और जिस चीज की उन्हें आवश्यकता होती है, वह समय समय पर नाम भगवान उन्हें देते रहते हैं। हर परिस्थिति में, विकट से विकट परिस्थिति में अगर साधक डिगता नहीं है, राम नाम का जाप करता रहता है, तो फिर उसके जीवन में उन्नति हो जाती है। अगर गुरु प्रदत्त उसे श्री राम जी का कोई मंत्र मिला है, उसका अगर वह जाप करता है, तो बहुत शीघ्र ही उसकी उत्तम गति हो जाती है। और अगर जैसे आपको बताएं कि अगर आप माला से जाप करना चाहें, तो आप तुलसी की माला पे जाप करें राम नाम का, ठीक है, कंठी धारण कर सकते हैं, राम नाम की तिलक लगा सकते हैं, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं हमारे राम जी की प्रसन्नता के लिए। और नियम से, संयम से, पूर्णतः पवित्र होकर प्रभु के चरणों के दास बन जाइए। प्रभु आपके जीवन में दासता का वह पुरस्कार आपको देंगे कि आपके जीवन में उन्नति हो जाएगी, क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं कि सब लोगों की सेवकों पर विशेष प्रति प्रीति होती है, यानी कि जो मन, कर्म, वचन से किसी की सेवा करने वाले होते हैं, उन पर सभी विशेष रूप से प्रेम करते हैं। लेकिन मेरे श्री राम जी तो उन पर अपना प्यार लुटाते हैं, उन पर अपना स्नेह लुटाते हैं, जो कि भगवान के दास बन जाते हैं।
भगवान कहते हैं कि मैं उनको श्री हनुमान जी, भरत जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और अपने सारे परिवार से और जो भी उनके सगे संबंधी हैं उन सब से कई गुना अधिक प्रेम करता हूँ, जिससे कि वह मेरी शरणागति और मेरी दासता को स्वीकार करते हैं। तो आप दासता की बेड़ियों को पकड़िए, सांसारिक दासता को ग्रहण मत कीजिए, परमात्मा की दासता को ग्रहण कीजिए, श्री राम जी की दासता को ग्रहण कीजिए, आप माला माल हो जाएंगे, आपके जीवन में उन्नति के नए आयाम, नए द्वार खुल जाएंगे। मेरे प्यारे श्री राम जी के भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय सियाराम, जय जय हनुमान।